अगर कोई कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बीच समंदर में गिर जाता है तो ऐसे में उन कंटेनर्स का क्या होता है? देखिए, ऐसा होने की संभावना तो काफी कम है, लेकिन अक्सर तूफान के दौरान ऐसा हो सकता है। और एक सर्वे के हिसाब से एक साल में करीब 2000 से भी ज्यादा कंटेनर समंदर में गिरकर खो जाते हैं। ऐसा होने पर ज्यादातर शिप के लोग समंदर में गिरे हुए कंटेनर्स को वहीं छोड़ देते हैं और इंश्योरेंस होने की वजह से उन्हें कोई लॉस भुगतना भी नहीं पड़ता। ऐसा होने पर या तो ये कंटेनर समंदर के नीचे मछलियों का खाना और घर बन जाते हैं और कभी कभी तो यही कंटेनर तैरते हुए समंदर के किनारे आ जाते हैं, जिसके बाद लोग इस कंटेनर के अंदर का सामान निकालकर अपने ही पास रख लेते हैं।